आईएएस अधिकारी ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा प्रभिता सुमन, इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रही हैं। देखिए, आप लोगों का मानना है या जो मैडम आई थी हमारे पास उनका मानना है कि हमारी कार्य प्रणाली पे जो सवाल उठाया है, बाकी हमने तो उनके जो मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे दोस्तों के माध्यम से हमें जानकारी मिली और हमने संज्ञान इस विषय पर लिया है और दोनों अधिकारियों को हमने समन भेजा। समन भेज करके आज 2 बजे आयोग में उन लोगों को बुलाया और उसमें मैडम वहाँ पर उपस्थित हुई और आयोग के सामने अपना पक्ष रखा उन्होंने पूरा डिटेल में, और हमने उनकी पूरे जो बयान उन्होंने दर्ज किया करवाए वो पूरा रिकॉर्डिंग हमने अपने आयोग में की है। बाकी जो दूसरे आईएएस अधिकारी हैं मिस्टर गुलाटी, वो आज पेश नहीं हो पाए, उन्होंने आयोग के सामने एक रिक्वेस्ट की है और 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। बाकी हमने 3 दिन का समय ना देते हुए परसों 13 तारीख को 11 बजे अपना पक्ष रखने के लिए उनको समन जारी किया है। बाकी जो हमारी आईएएस अधिकारी है उनकी सुरक्षा के लिए हमने आयोग की तरफ से डीजीपी संधू को एक पत्र भेजा है कि आप तुरंत प्रभाव से आईएएस अधिकारी को सुरक्षा प्रोवाइड उनको करवाई जाए जी। बाकी जो एक विषय और था उनका कि मेरे केस की जांच किसी अच्छी एजेंसी से करवाई जाए। देखिए, आयोग तब रिकमेंड करेगा जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी, अभी जांच अधूरी है। मैम, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्या वजह हुई कि महिला आयोग के सामने पक्ष रखने के बाद उन्होंने बाद में सीबीआई जांच की मांग कर दी है? नहीं नहीं, उन्होंने हमारे सामने भी ये पक्ष रखा कि मेरे केस की जांच किसी सीबीआई से करवाई जाए, ताकि किसी भी जो यहाँ पे आईएएस अधिकारी हैं उनका वर्चस्व ना हो, किसी के दबाव में ना हो, तो मेरी सीबीआई से जांच हो, लेकिन आयोग की तरफ से तभी रिकमेंड कर पाएंगे जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी जी। मैम, आप किन किन मुद्दों पर जांच करेंगी और क्या सरकार को आपने निर्देश दिए हैं अभी तक? देखिए, अभी जांच हमारी पूरी नहीं हुई, हम जांच पूरी होने के बाद ही सरकार को हम रिकमेंड कर सकते हैं जी। ये थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा प्रभिता सुमन, इनका कहना है कि शिकायतकर्ता ने आज अपना पक्ष रखा है, जबकि आईएएस सुनील गुलाटी 13 जून को अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आयोग ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख दिया है कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।